गाइस हम लोग जा रहे थे सनी सिंगनापुर मंदिर, तो रास्ते में हमको भगवान शिव का एक मंदिर दिख गया, तो हमने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा है और आज सोमवार का दिन है, तो बोलते हैं ना नसीब से भगवान शिव के भी दर्शन हो गए। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है, हमको मैं दिखाती हूँ, देखो बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत शांति मिली। ऑफकोर्स यार भोले की भक्त हूँ मैं, तो शांति तो मिलेगी। आपने मेरे हाथ का टैटू भी देखा रहेगा कि मैंने भोले के नाम का ही निकाला है, जय शंभू जय भोले। गाइज फाइनली वी आर रीच एट सनी सिंगनापुर। देख रहे हो आप, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदिर, मंदिर का काम चालू है अभी, बट ये जो प्लेस बना रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा है। तो मैं होप तो चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर पूरा हो जाएगा लुक। तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैसे उस साइड भी है। तो हम चल रहे हैं अंदर, जैसे कि आप सभी को मालूम है रूल, मोबाइल अंदर ले नहीं जा सकते, तो बाहर से आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। गाइस फाइनली यहाँ पे मोबाइल लेके आना अलाउड था, तो मैंने शूट कर लिया है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो मैं आ गई हुई टेंपल में, काफ़ी तेल वगैरह सब चढ़ा रहे हैं। मैं तो बोलूँ श्रद्धा तो मन की श्रद्धा होती है, बट चढ़ावा करते हैं लोग तो थोड़ा बहुत कर दो। तो फाइनली इसने चढ़ाया है, क्योंकि शनि भगवान के इसके ऊपर बहुत उपकार है, तो इसका चढ़ाना तो बनता है दिल से। इसने शनि भगवान के बहुत फेरे लगाए हैं ना, हर शनिवार ये 21-21 फेरे लगाने जाता था, तो मैंने बोला फाइनली आज तेरा दिन है तो तू चढ़ा दे। तो बाकी लूसी और डेलविन की वजह से पापा और भाई नहीं आ पाए, मम्मी और हम तीनों आए, तो अभी हम लोग जाएंगे तो वो लोग रिटर्न में आएंगे। तो ब्लॉग करते कंटिन्यू, आप लोगों के नसीब में था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया पीछे से, और एक फोटो भी ऐड करूंगी मैं यहाँ से। गाइस अभी हमारा दर्शन हो गया है, तो अभी आगे निकल रहे हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, तो सोचा है कि चलो कहीं होटल ढूंढते हैं या ढाबा। एक्चुअली होटल में तो नहीं जा पाएंगे, ढाबा ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डॉग है साथ में, तो आपको मालूम है डॉग के साथ जर्नी करना मतलब कितना हार्ड है। एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस किया मेरी ये जर्नी में कि मेरे डॉग को लेके मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई, या किसी ने भी ऐसे कि मुझे डॉग को लेके टोका रहे। मैं जो भी होटल में गई होटल वालों ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया, हम लोग रात को जहाँ रुके थे वो होटल वालों ने भी बहुत अच्छी तरह से कॉपरेट किया हमको डॉग को लेके। मतलब बोलते ना मेरे लूसी के लिए जो जो मैंने उनसे डिमांड की सब दिया, होटल रूम में भी मतलब रहने दिया, तो काफी कॉपरेटिव नेचर हो गया है सबका यार। पहले जैसी मेंटेलिटी नहीं रह गई कि यार कुत्ते को क्यों लाया है, कुत्ता क्यों रखा है, ये बात का जो डर है किसको भी, अगर आप अपने डॉग को लेके किसी टेम्पल वगैरह जाना चाहते हो तो इट विल बी इजी टू कैरी यार, बहुत, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पहले से बदल चुके हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी रहेगी। तो अभी मैं देख रही हूँ कहीं होटल या ढाबा मिल जाए तो थोड़ा सा ठूस ले, क्योंकि पेट में हो रही है गुड़गुड़, सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाली चाय पिया था छोटा सा, तो कब अभी देखते हैं कुछ मिल गया तो खाते हैं और फिर आगे जर्नी करते हैं। सो गाइस देखो हमारी लूसी भूख रही है, उसको आते जाते कोई पसंद नहीं। देख बाबू कौन आया, देख देख कौन आया, कौन आया, देख बाबू कौन आया, बाबू कौन आया, बाबू कौन आया, देख रही हो। एक्चुअली वो किसी को भी आने जाने नहीं देती है, गाड़ी के नियर बाय भी नहीं आने देती है। सो गाइस आप अपने डॉग को लेके इजिली ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि आपका डॉग इजिली कहीं भी अब रह सकता है। लोगों की मेंटेलिटी धीरे धीरे क्या बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, मैंने देखा, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि डॉग को लेके लोग चेंज हो रहे हैं। डॉग या किसी भी एनिमल को लेके, मतलब सांप बिप को लेके थोड़ी कोई ट्रैवल करेगा, एक कुत्ता बिल्ली। तो ठीक है गाइस मिलते हैं आगे फिर। हमको होटल मिल गया है, दैट इज संग्राम मिशल। तो यहाँ पे आके मिसल नहीं खाया तो क्या खाया, मैं सीडी के ब्लॉग में भी आप देखोगे मैंने मिसल ही खाया था, बिकॉज मिसल सच्ची में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, और ये एकदम हाईवे टच है, मतलब जो रूट में एकदम साइड में है, बहुत अच्छा सा है प्लेस है, तो लूसी डेलविन भी अच्छे से यहाँ पे कंफर्ट में रह लेंगे। तो चलो अब मिसल एंजॉय करते हैं। लूसी कहाँ चली, कहाँ चली बाबू, ए दुलदुलिया दुलदुलिया यहाँ कुछ मत करना, पहले बोल रहा हूँ दोनों, ये लोग को ना ये ओपन स्पेस मिल गया ना, मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप अपने डॉग के साथ आ रहे हो तो ऐसा कंफर्ट जोन देखो, इसलिए आपको बोलती हूँ अगर आप अपने डॉग के साथ आ रहे हो कोई भी मतलब टेंपल वगैरह पे विजिट करने के लिए, तो अगर आप कोई ढाबा वगैरह पे खाना खाना प्रीफर करोगे तो अच्छा है। एक तो ढाबा की बात क्या ना कि खाना टेस्टी भी मिलता है। ओह माय गॉड क्या हुआ मालूम है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा चिक्कल है, और मेरी लूसी को ना चिक्कल से बहुत प्यार है, तो अभी वो क्या करने वाली, मतलब इसमें उल्टा गिरने वाली थी और चिक्कल पे गिर जाती तो कहाँ करती मैं उसको, यहाँ पे कहाँ नहलाती मैं। तो अगर आप डॉग के साथ आ रहे हैं तो होटल पे खाना खाओ, होटल का खाना टेस्टी, मतलब होटल बोली सॉरी ढाबा पे खाना खाओ, ढाबा का खाना टेस्टी भी रहता है, और किसी ढाबा का क्या प्लस पॉइंट है मालूम है, ऐसा ओपन स्पेस मिल जाता है, तो जिससे आपके डॉग जो है ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, खेल लेते हैं, और उनको कोई मतलब देखो जहाँ पे क्राउड है अगर वहाँ पे आप डॉग लेके जा रहे हो तो क्राउड में डॉग नहीं। यस बाबू
यस बाबू, वो ना मेरे पास खुशी से भाग के आ गई दीदी, उसको बहुत खुशी हो रही है ऐसे ओपन जगह में आके, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, देख रहे हो, शी एंजॉयिंग लॉट्स एंजॉयिंग। तो गाइस आप ना फिर अगर क्राउडेड प्लेस में जाओगे ना तो क्या हो जाता है, कोई कोई पब्लिक बहुत ज्यादा डरती है और कोई कोई ओवर भी रिएक्ट करती है कि नो अनुभव डॉक्शी भित्ती बढ़ते, तो उसमें क्या हो जाता है ना, अलाउड नहीं करते हैं होटल्स वाले। अगर आप जहाँ पे क्राउड कम है वहाँ पे जाओगे तो इजीली आपको अलाउड कर देंगे। बाबू उसको बचाओ, चिक्कल में उड़ी मार देगी। तो आपको लूसी के कुछ वीडियो शेयर करती हूँ मैं, आप देखिए, दौड़ा उसको। आई प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर द बेस्ट ड्राइवर, इस तुम्हारे जैसा कोई नहीं ड्राइव कर सकता। मेरा भाई ना बहुत सही ड्राइव करता है यार, आई रियली प्राउड ऑफ हिम। मतलब बोलते हैं ना पेट का पानी नहीं हिलता इसकी वजह से। देखो ज्यादा चढ़े के झाड़ पे मत चढ़ जा। ए डीजल वाले भैया डीजल दे दो, डीजल 10 रुपए किलो। एक्चुअली फोर व्हीलर के साथ इशू ये होता है कि सिंगल लेन रोड है, आप अपनी गाड़ी को अगर कहीं लगाते हो तो दूसरे लोगों को तकलीफ हो सकती है। सो फाइनली आई एम सो हैप्पी, हमको थोड़ा सा प्लेस मिल गया तो हमने यहाँ पे खुद को ले आए नेचुरल व्यू में। मैं अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी, पक्का आऊँगी मेरे दोस्तों के साथ, बट वी आर कमिंग बाय बाइक, अब हम फोर व्हीलर से नहीं आएंगे। सो देख रहे हो अभी लूसी भी उतर के आ गई है बाहर और लूसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। दिस व्यू किल्ड मी गाइस, रियली दिस व्यू किल्ड मी गाइस। ये प्लेस है बहुत सारे रील्स बनाने के बाद, आपको बता दूँ ये फॉग जो है ना मेरे मतलब पूरे मुझे फील हो रहा है, इतना अंधेरा हो चुका है पूरी चारों तरफ, आप देख रहे हो अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप मेरे अगर यहाँ के रील्स को देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, दैट इज़ ब्लिंक क्वीन अनु, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये प्लेस से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है बट काफ़ी लेट हो चुका है, डैडी भी गुस्सा हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ। आगे का व्लॉग अगर कुछ प्लेस मिल गया अच्छा तो कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज फिर मैं आपसे वैसे अपडेट दूंगी। सो गाइस लॉट्स ऑफ फन एट मार्शल घाट बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है, एक ही ड्रेस होने वैसे बहुत सारी, मतलब 3-4 बनाई है बट फाड़ू। पब्लिक क्या बोलती, कैसा लगा ये प्लेस, क्या बोलती, बहुत सही जगह है, वी आर एंजॉयिंग लॉट्स। ओके सो गाइस लेट्स गो। किसी को
सरप्राइज अभी एक अननोन पर्सन मिले हम लोग को, वड़ा पाव लेना था तो हमने गाड़ी साइड में लगाई है। तो दे आर आस्किंग अबाउट लूसी एंड डेल्विन, उनको डेल्विन जैसा पेट चाहिए। तो वो हमसे डिटेलिंग ले रहे कि इसकी आप क्या क्या खिलाते हो, क्या क्या करते हो। तो हम मम्मी पापा उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं। और बाय द वे मेरा टूर खत्म हुआ और मैं अब घर पर पहुंचने वाली हूँ। घर से मैं आधा एक घंटे की दूरी पे रहूंगी। मैं राइट नाउ मैं मुरबाड़ मार्केट में हूँ मैं। तो यहाँ से मेरा घर एक से डेढ़ घंटे की दूरी पे है। तो अभी घर पहुंचने वाले हैं और ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने वाले। अगर गाइज आपको मेरा ये टूर अच्छा लगा रहेगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आई होप सो मैंने अच्छा शेयर किया रहेगा कुछ तो जर्नी। बट ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया था कि जो सोचते हैं कि अपने डॉग के साथ वो किसी जगह पे मतलब कोई धार्मिक स्थल पर जाएं और वो जा नहीं पाते, उनको ये लगता है कि पब्लिक कोई कोऑपरेट नहीं करेगी या हम कैसे डॉग को फेस करेंगे। अगर आपका डॉग आपके कमांड में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है और आप इजिली उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ अपने फोर व्हीलर में। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि पब्लिक की मेंटेलिटी बहुत चेंज हो गई है। दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव, आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे डॉग को लेके। मुझे क्योंकि कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है, मैंने मेरे डॉग को जहाँ पे भी लेके गई हूँ मुझे एवरीवन कोऑपरेट। तो फिर इसलिए जो है सॉरी मेरा वर्ड गलत हो गया, लेट इट बी, आप समझ लेना। हम इतनी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, टूटी फूटी बोलते हो जाता है कभी कभी। आज तक मैंने मेरी लाइफ में कभी एस ऐसा ठीक से नहीं बोला रहेगा, मुझे एस बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एस से जिसका नाम चालू होता है मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ बोलने। गाइस सो प्लीज ये वीडियो को एंड करती हूँ मैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी पक अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे एक हार्ट देके जरूर जाना। सो लव यू गाइस।